हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है दिन नवरात्रि का फर्स्ट डेज और आज है माता रानी को मंदिर में लाने का। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने सोसाइटी में माता रानी को ला दिया। ये रही है अलग अलग मूर्तियां, आप देख लो, ये सारी हमारी सोसाइटी में। और इस तरह से हम लोग गरबा सेलिब्रेट करते हैं मुंबई में। तो फ्रेंड, हमारी सोसाइटी में माता रानी का वेलकम हो गया है और हम लोग बहुत खुश हैं हमारी सोसाइटी में कि माता रानी को हम लोग अपने यहाँ सोसाइटी में स्थापन कर रहे हैं, जो कि 9 दिन नवरात्रि रही और 9 दिन माता रानी हमारे यहाँ पंडाल में ऐसे ही शांति से विराजमान रहेंगी भाई। और पूरी सोसाइटी एकदम झूम रही है, ढोल नगाड़े ताशे बजा रहे हैं और सब लोग फुल्ली इंजॉय कर रहे हो। ये देख लो, देख रहे हो। तो हमारी सोसाइटी में हर साल जो है माता रानी की मूर्ति आती है और हम लोगों का स्थापना करते हैं। और देन उसके बाद में जो 9वां दिन हो जाता है तो 10वें दिन फिर दशहरे को सेलिब्रेट करके उनका विसर्जन हो जाता है। तो इस तरह से माता रानी आती है और ढेर सारी खुशियां लेके आती है। पूरी नवरात्रि भर भाई पूरी खुशियां रहती है और जिनको भी डांडिया खेलना रहता है वो डांडिया खेलते हैं और फुल सेलिब्रेट करते हैं। तो ये देखो, सब लोग एक ही कलर में हैं और माता रानी के आने से कितनी खुशी है भाई सोसाइटी में। चाहे बूढ़े हो, जवान हो, लड़के हो या लेडीज़ महिलाएं जो भी हो, सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। खास करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि साल में 2 बार नवरात्रि आती है जिसमें डांडिया वाले यानी दशहरे वाले पल को हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं। ये देख लो, मेरे पीछे ही मूर्ति है और सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तो कितने क्यूट हैं भाई, सब लोग बैठे हैं। जय माता दी। ये जस्ट हमारे सोसाइटी के बगल वाली सोसाइटी में यहाँ पर भी लगी मूर्तियाँ। तो ये देख लो दोस्तों, यहाँ पे जो माता रानी की बड़ी मूर्ति लगी रहती है। और भाई डांडिया खेलने के लिए तो इतना बड़ा ग्राउंड है कि जिनको भी डांडिया खेलना होता है मुंबई में, उनको 9, 8:30, 9 बजे तक आ जाना आता है। उसके बाद में ये भाई सर्कल दिख रहा है ना, आप लोग देख लो सामने कि वहाँ पे डांडिया हो रहा है। और क्या होता है, डीजे से म्यूजिक बढ़ता है और म्यूजिक से लोग जो भी अलग अलग गानों पे डांडिया करते हैं। तो हर जगह जो मुंबई में जो डांडिया का प्रोग्राम होता है अलग अलग तरीके से होता है। जैसे 2 डंडे रहते हैं, डंडे के साथ भी डांडिया खेल सकते हैं, अगर नहीं है तो प्लेन भी खेल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो आप लोग, प्लेन वाली डांडिया हो रही है, यहाँ पे कोई डंडे वाली नहीं हो रही है। और भी अलग अलग तरह के, मतलब बहुत डिफरेंट टाइप के मुंबई में डांडिया होती है माता रानी की जगराता में। ये 9 दिन भाई, यानी कि 10 दिन टोटल नवरात्रि में 10 दिन मिला के ऐसे ही चलते रहता है। तो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो प्रेम से बोलो जय माता दी। ये रही तीनों अलग अलग माता रानी की मूर्तियाँ। जय माता।